नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। 17 बरस बीत गए हैं उत्तराखंड को बने, लेकिन इन 17 बरस में लाखों लोगों ने पहाड़ों को छोड़ दिया, जिससे गांव के गांव खाली हो गए। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक आयोग गठित किया, जिसने पलायन पर गांव-गांव जाकर पड़ताल की और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। जब मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया तो सारे आंकड़े चौंकाने वाले निकले। 9 नवंबर सन 2000, यही वो दिन था जब उत्तराखंड देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। खुद के विकास के सपनों को संजोए हुए आगे बढ़ना चाहता था। जंगलों और पहाड़ों से भरे हुए इस राज्य में पर्यटकों का मेला लगा रहता था, लेकिन इन 17 सालों में इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, घरों में ताले लटके हैं। इन गांव में बचे हैं तो केवल बूढ़े और बुजुर्ग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता में आने के बाद पलायन की समस्या को जानने के लिए पलायन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 2018 के जनवरी और फरवरी महीने में राज्य के सभी जिलों का दौरा कर ग्राम विकास और पलायन के विभिन्न पहलुओं पर पंचायतों और लोगों से चर्चा की। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस तरह से काम कर रही है, तो इसके आने वाले समय में, आने वाले 5-7 सालों में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और जो रोजगार के लिए जो लोग पलायन करते हैं, छोटे मोटे रोजगार के लिए जो लोग पलायन करते हैं, उससे अच्छी इनकम वो अपने गांव में, अपने नज़दीक को प्राप्त कर सकेंगे। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, पिछले 10 सालों में 6338 ग्राम पंचायतों में 383726 व्यक्ति अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। ये लोग घर में आते जाते रहते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। इस अवधि में 3946 ग्राम पंचायतों से 118981 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में हुआ है। वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, पूरी रिपोर्ट उपलब्ध है। इससे इसमें पहली बार जमीनी स्थिति का पता लगा कि जमीनी स्थिति क्या है, किस गांव, हमारे पास गांव के भी नाम आ गए हैं जहां से पूरे निर्जन हो गए हैं या पॉपुलेशन कम हो गई है, कारण आ गए हैं। और 30 विकास खंड ऐसे चिन्हित कर गए जहां पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। अब उन विकास खंडों के लिए योजना बनेगी जाके, और उसके बाद वो योजना जिले स्तर पर उसको कन्वर्जन हम करेंगे। निश्चित तौर पर राज्य गठन के 17 सालों बाद भी रोजगार और जीवन यापन की समस्याओं ने लोगों को पहाड़ों से मैदानों की तरफ धकेल दिया है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए ये भी कहा, आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर नए पर्वतीय जिलों के 35 विकास खंडों का चयन किया है, जिनके लिए लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिससे गांव बहुक्षेत्रीय विकास तेजी से बढ़ सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जरूरत ऐसे जमीनी आंकड़ों की थी जिससे इस समस्या का असली कारण पता चल सके। और अब आयोग की रिपोर्ट के बाद इसमें सरकार जमीनी स्तर पर पलायन रोकने के उपायों पर काम कर सकती है। सरकार ने माना है कि पलायन ग्रस्त क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई दूसरी चीजों की कमी थी, जिस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। तो रोजगार की दृष्टि से अभी हम लोगों ने 2-3 महत्वपूर्ण और निर्णय लिए हैं। वो है हमारी पिरूल वाली योजना। पिरूल जो नीति है, उसमें राज्य में 60,000 लोगों को रोजगार देने की सामर्थ्य है, और बहुत बड़ा खर्चा पूंजी उसके लिए नहीं चाहिए। उसमें तमाम तरह की सब्सिडी है। पलायन आयोग की टीम हर जिले के गांवों में पहुंची और सर्वे किया कि आखिर क्या कारण है कि लोग पलायन कर रहे हैं। अगर पलायन आयोग की रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो उनमें विभिन्न तथ्य सामने आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों में 50% लोगों ने आजीविका एवं रोजगार की समस्या के कारण, 15% लोगों में शिक्षा की सुविधा एवं 8% लोगों ने चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन किया।
पलायन करने वालों में 26 से 35 वर्ष के 42% लोग हैं, 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 29% लोग हैं और 25 वर्ष से कम आयु वर्ग में 28% लोग हैं। ग्राम पंचायतों से 734 राजस्व ग्राम टोंक माजरा 2011 की जनगणना के बाद गैर आवाज हो गए हैं। इनमें से 14 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की हवाई दूरी से 5 किलोमीटर के भीतर हैं। राज्य में 850 ऐसे गांव हैं जहां पिछले 10 सालों में दूसरे गांव, शहर, कस्बे से पलायन कर उस गांव में आकर लोग बसे हैं। राज्य में 565 ऐसे छोटे गांव हैं जिनकी आबादी 2011 के बाद 50% तक घटी है। इनमें से 6 गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा की हवाई दूरी से 5 किलोमीटर के भीतर हैं। राज्य में लगभग 734 ग्राम तक माजरा 2011 की जनगणना के बाद आबाद हो गए हैं। इनमें से 14 अंतरराष्ट्रीय सीमा की हवाई दूरी से 5 किलोमीटर के भीतर हैं। रिपोर्ट के आधार पर नव पर्वतीय जिलों के 35 विकास खंड चयनित किए गए हैं, जिनमें आयोग को दूर जाकर लघु माध्यम अर्ध अवधि की कार्य योजना बनाई गई जिससे बहु क्षेत्रीय विकास तेजी से हो सके। ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य व्यवसाय कृषि में 40% एवं मजदूरी में 33% लोगों की हिस्सेदारी है। मौजूदा सरकार ने पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग तो बनाया, लेकिन बीते एक साल में लोगों के पहाड़ से उतरने का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। 3 महीने की रिसर्च करने के बाद पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट में पहाड़ी जिलों में 1000 से ज्यादा गांवों को भूतिया गांव बताया, यानी कि इन गांव में आज कोई नहीं रहता। देखिए ये रिपोर्ट। सदा हरियाली से ढके हुए गांव, शांति में गुजर बसर करने वाले लोग शायद सरकारी सुविधाओं से महरूम थे। उनके पास आज के तेजी से बदल रहे समाज के साथ खड़े होने की ताकत पहाड़ नहीं दे पा रहे थे। तभी तो लोगों ने पहाड़ों से उतरकर मैदानों का रुख किया और हजारों गांव के लाखों घरों में ताले लटक गए। इन गांव में उचित सुविधाएं न मिलने के कारण ना तो अब कोई रहता है और ना ही कोई रहना चाहता है। पलायन आयोग ने अपनी 84 पन्नों की रिपोर्ट में जो उत्तराखंड की हकीकत बयान की है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि भविष्य में पहाड़ी जिलों में बसे ग्रामीण जल्द ही मैदानों का रुख करेंगे। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। वहीं 1600 ऐसे गांव हैं जहां सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किन पर्वतीय जिलों में कितने घर खाली हैं। पर्वतीय क्षेत्र में खाली घर अल्मोड़ा 36,401, पौड़ी 35,654, टिहरी 33,689, पिथौरागढ़ 22,936, देहरादून 20,625, चमोली 18,535, नैनीताल 15,075, उत्तरकाशी 11,710, चंपावत 11,281, रुद्रप्रयाग 10,970 और बागेश्वर 10,073। हर जिले में खाली घरों के आंकड़े काफी भयावह है। अब आपको बताते हैं कि राज्य के हर जिले में कितने घर, कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें घोस्ट विलेज यानी भूतों का गांव घोषित किया गया है। ऐसे गांव जहां एक भी इंसान नहीं रहता, वहां हर घर में ताला लटका हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालिएगा तो चौंक जाइएगा। प्रदेश में घोषित घोस्ट विलेज, पौड़ी 331 घोस्ट विलेज, अल्मोड़ा 105 घोस्ट विलेज, हरिद्वार 54 घोस्ट विलेज, टिहरी 88 घोस्ट विलेज, चमोली 76 घोस्ट विलेज, बागेश्वर 73 घोस्ट विलेज, चंपावत 55 घोस्ट विलेज, नैनीताल 44 घोस्ट विलेज, टिहरी 35 घोस्ट विलेज, पिथौरागढ़ 23 घोस्ट विलेज, देहरादून 17 घोस्ट विलेज, ऊधम सिंह नगर 14 घोस्ट विलेज और उत्तरकाशी 13 घोस्ट विलेज। ये रिपोर्ट भी चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या कारण है कि राज्य बनने के 17 बरस बाद भी जिन लोगों ने विकास के सपने देखे थे, वो सपने आज खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बदलते हालात पर एक नजर डालिए कि आखिर आंकड़े कहते क्या हैं।
फिर हम आपको लोगों का दर्द भी सुनाएंगे। उत्तराखंड की एक तस्वीर। राज्य में कुल 7,555 ग्राम पंचायतें, जिनमें गांव की संख्या 16,793। इन 16,000 गांव में से अब लगभग 3,000 गांव खाली हो चुके हैं। बीते सालों में 32 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़कर मैदानों का रुख किया। 2,80,000 घरों में ताले लटके हैं। 750 स्कूल भवन हो चुके हैं जर्जर। 5,000 गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें सड़कें नहीं हैं। 2,344 प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल बंदी के कगार पर हैं। एक हजार से ज्यादा गांव जो भूतिया हो चुके हैं, उनको लेकर सरकार अब नई रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन गांव को चिन्हित करके इनमें विशेष कार्यक्रम चलाएगी। उनकी रिपोर्ट को मैं पढ़ूंगा, उसका मैं अध्ययन करूंगा, और निश्चित रूप में हमारे यहाँ गोस्ट विलेजेस हो गए हैं। उसी को देखते हुए, उसकी चिंता करते हुए, हमने जो पैदल यात्रा है, जो पूरे हमारे जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे स्थान आते हैं, उसमें हम पैदल यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप पेरू और बोलीविया जाएंगे तो पेरू के अंदर वो इनका यात्रा करते हैं, ऐसे ही नेपाल के अंदर अन्नपूर्णा सर्किट होता है, अन्नपूर्णा यात्रा की जाती है। हम भी चाहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी यात्रा जो है द्वापर युग की चार धाम यात्रा, उसका हम प्रचार प्रसार करें, उससे ये गोस्ट विलेजेस जो हैं ये फिर से जीवंत हो जाएंगे और पलायन रुकेगा। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पलायन आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि पलायन आयोग ने किस आधार पर रिपोर्ट बनाई है, लेकिन हरक सिंह ने माना कि लगातार पहाड़ों से गांव वो खाली होते जा रहे हैं, इनमें उनका खुद का गांव है। रिपोर्ट आ गई और रुद्रप्रयाग, टेहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन दिखाया गया और 1,000 गांव करीब बुधाएं दिखाए गए, तो किस तरीके से क्या रिपोर्ट सही है सर? मुझे नहीं मालूम कि रिपोर्ट किस स्तर पर उन्होंने उस रिपोर्ट को तैयार किया है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पहाड़ के गांव खाली हो गए। अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप मेरे गांव में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, तो आज पहाड़ों में गांव खाली हो गए, इस पे दो राय नहीं है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि भाई आखिर इतना तेज़ी के साथ जो गांव खाली हो रहे हैं, वो पहले तो अगर 10 परिवार गांव में होते थे तो 5-7 साल में वो 25 परिवार हो जाते थे। गांव में परिवारों की संख्या बढ़ती थी, दो भाई हैं तो विभाजन होता था, दो परिवार हो जाते थे, लेकिन ये संख्या जो घट रही है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए, विशेष करके सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का न होना भी पलायन का बड़ा कारण है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि सभी गांव और पहाड़ी इलाकों पर फोकस किया जाए। आज खाली हो चुके इन गांव में कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी और गांव वालों का जमघट लगा रहता था, लेकिन आज घरों में लटके ताले और खाली गांव ये बताने के लिए काफी हैं कि सब कुछ काफी पीछे छूट गया है। तेजी से बदलते परिवेश के सामने खुद को खड़ा करने की जद्दोजहद ने लोगों को शहरों की तरफ मोड़ा और गांव के नौजवानों ने शहरों का रुख किया, लेकिन जो एक बार शहर गया वो दोबारा लौटकर गांव नहीं आया। अब गांव की हालत ये है कि यहाँ इक्का दुक्का लोग रहते हैं और जो हैं वो केवल बूढ़े बुजुर्ग, जिन्हें शहर की आबो हवा रास नहीं आती। शायद अपने पहाड़, अपने गांव से जुड़ी यादें और मोहब्बत उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती, लेकिन सरकारों की बेरुखी और विकास का न होना सबसे बड़ी समस्या है। अकेले टिहरी जिले में इन 17 सालों में अस्थायी और स्थायी रूप से 90,000 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन होने की समस्या ये भी है कि जंगली जानवर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं और खेती यहां जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, जब थे तब तक तो ये माना जा सकता था कि हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं, उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, लेकिन अब तो सारे ही जितने हमारे उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे MLA MP जितने हैं, उनको जिस ढंग से काम करना चाहिए था, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे प्रत्येक गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारना, नंबर दो कि स्वास्थ्य जो सेंटर हमारे जहाँ पर हैं, उन स्वास्थ्य सेंटर में डॉक्टर्स की व्यवस्था होना, वहाँ पर ठीक से मरीजों की देखभाल होना, वहाँ पर दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था होना,
वहाँ पर लोगों के आने जाने की कनेक्टिविटी का उपलब्ध होना, और तीसरा सवाल है रोजगार का। रोजगार के सवाल पे हमारा ये कहना है कि तमाम जो भी उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं वो सहारनपुर, रुड़की या अदर्स उधम सिंह नगर में हो रहा, जबकि होना ये चाहिए कि पहाड़ की आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर उद्योग धंधे डेवलप किए जाने चाहिए। रोजगार की चाहत रखने वाले युवा भी अब देश विदेश का रुख करने लगे हैं, जिनमें सबसे अधिक टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के ऐसे गांव हैं, जिनमें प्रत्येक परिवार से 2 से 3 सदस्य विदेशों में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। नौकरी या शिक्षा ही नहीं बल्कि सड़क व स्वास्थ्य भी है, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सरकारें इन 17 सालों में इन सभी विषयों पर कोई ठोस रणनीति बनाने नाकामयाब ही साबित हुई है, जिसकी वजह ये है कि ये खाली पड़े गांव घोस्ट विलेज के नाम से पुकारे जाते हैं। यह पहाड़ की एक प्रवृत्ति रही है, पहाड़ की क्या कहें कि पूरे गांव की जो है, क्योंकि शहर की जो चकाचौंध है, क्योंकि सारा विकास जो है यह सारा सरकार के जो कार्यक्रम है शहरों को ही चमकाने का है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि शहर का ही जीवन बेहतर है। गांव की कुछ परिस्थितियाँ काफ़ी कठिन है, कठोर है, यहाँ रोजगार के संसाधन काफ़ी कम है, न सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे रही है, और सरकारों का पूरा जोर जो है बड़े बड़े महानगरों पर, बड़े बड़े शहरों पर या राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही है, इसलिए जो है पहाड़ से क्या, गाँव से क्या, या चाहे मैदान के गांव से पलायन जो हो रहा जो है। जानकार मानते हैं कि लगातार उत्तराखंड के गांव जिस तरह से खाली हो रहे हैं वो सामरिक दृष्टि से बेहद खतरनाक है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से सटी हुई है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि सीमावर्ती गांव का खाली होना भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। पलायन आयोग की जो रिपोर्ट उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है और विशेषकर जो बॉर्डर से लगे जो गाँव है उनमें जो पलायन हुआ है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये उत्तराखंड के लिए नहीं, ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय होता जा रहा है। उत्तराखंड जो है नेपाल और चीन से लगा हुआ है, नेपाल में पहले जो माओवादी सक्रिय रहे हैं और चीन से हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। अगर ऐसे में वहाँ गाँव खाली हो गए तो हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ हो जाएगी, क्योंकि सेना की रस्सा से लेकर कई चीज़ों में जो है जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी जो है सहयोग करते हैं, और इस कारण जब वहाँ से पलायन हो गया, इसके लिए तो जितनी भी सरकारें रही हैं सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब सरकारें वहाँ जो है शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं कर पाई तो आदमी पलायन करेगा, क्यों नहीं आदमी पलायन करेगा। जो सरकार के जो मुखिया हैं या मंत्री हैं वो तो पलायन करके देहरादून में आके बस गए और जनता से कहते हैं कि जो है हम पलायन पर काम कर रहे हैं कि वहाँ रोज़गार देंगे। अगर यही सरकारें जो है पहले वहाँ रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी होती तो ये पलायन नहीं हो पाता, और आज जो पलायन हुआ है वो आने वाले समय के लिए देखेगी। विशेषकर मैं आज ये आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले समय में चीन के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है चीन का एक देश बनेगा। यहाँ ग्रामीण ही सेना के खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर सूचना का आदान प्रदान का एक बड़ा जरिया होते हैं, लिहाजा अब गांव खाली होने की वजह से पड़ोसी देशों को घुसपैठ का मौका मिल सकेगा और साथ ही दूसरी समस्याएं भी खड़ी होंगी। टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गानों की लाइन सटीक बैठती नजर आ रही है। सभी धाड़ी देहरादून, धोड़ी खाड़ी देहरादून, इन सब के बीच ये भी है कि पहाड़ तो दूर से बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन पास जाने पर हकीकत पता चलता है। पहाड़ की जिंदगी लोगों से बहुत सारे इम्तिहान लेती है, लेकिन ये विकास की बदनीयति है कि आज पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और गाँव के गाँव घोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं। लेकिन हमें, आपको, सरकारों को इस पलायन का दर्द समझना होगा, समाधान निकालना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ केवल और केवल खंडहर के सिवा कुछ नहीं बचेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी उत्तराखंड।